Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो का पाठ पाँच हम पढ़ने जा रहे हैं. पाठ का नाम है मिठाई वाला. इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी. आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 22 ओपन करेंगे. ये जो मिठाई वाला पाठ है, जो मिठाई वाला है, वह एक फेरी वाला है. जो फेरी वाला वो होता है जो गली गली में अपने सामान को बेचता है. उसके अपने कुछ अंदाज होते हैं, वो अलग तरीके से बोलता है, कुछ गाकर बोलता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं. तो शुरू करते हैं मिठाई वाला पाठ. बहुत मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला. एक अधूरे वाक्य को वह मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला अस्थिर हो उठता है. यहाँ पर जो मिठाई वाला है, जो फेरी वाला है, वो अपने ऐसे मादक यानी मधुर आवाज़ से, इतनी अच्छी आवाज़ से गाकर बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला. तो यहाँ पर वह इतने अच्छे ढंग से बोलता है तो जो सुनने वाले लोग हैं अपने आप को रोक नहीं पाते और उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं. स्नेहा विषिक्त कंठ से फूटे हुए गान को सुनकर आसपास के मकानों में हलचल मच जाती और महिलाएं अपनी गोद में बच्चों को लेकर बाहर निकल आती. गलियों में खेलने वाले बच्चे उसे चारों ओर से घेर लेते और खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौनों की पेटी खोल देता है. तो जब वो खिलौने वाला इस तरह से बोलता है तो घर में जो महिलाएं होती हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर बाहर आकर देखती है कि कौन आया है. और जो छोटे छोटे बच्चे जो अंदर होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. बच्चे खिलौने देखकर बहुत खुश होते. बच्चे पैसे लाकर मोल भाव करते और पूछते इसका दाम क्या है. और इसका खिलौने वाला उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और उनके मनपसंद खिलौने दे देता. बच्चे अपनी पसंद के खिलौने पाकर उछलने कूदने लगते. जब बच्चे खिलौने देख लेते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और अपने माता पिता से पैसे लेकर खिलौने वाले के पास जाते हैं, अपनी मनपसंद के खिलौने खरीदते हैं और खिलौने वाला उनके नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेता है और बच्चे खिलौने ले जाकर उछलने कूदने लगते हैं. खिलौने वाला फिर गाता हुआ चला जाता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला. राय विजय बहादुर के दो बच्चे चुन्नू और मुन्नू थे. चुन्नू और मुन्नू भी खिलौने ले आए. वो जो उस जगह पर एक विजय बाबू जो थे, एक परिवार जो था, उसके उनके दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, वो भी खिलौने ले आते हैं. चुन्नू बोला मेला घोला कैचा चुंदल है. मुन्नू बोला और देखो मेला कैचा चुंदल है. दोनों बच्चे घोड़े हाथी लेकर पूरे घर में उछलने कूदने लगे. इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ समय तक खड़ी होकर उनका खेल निहारती रही. जब दोनों बच्चे घोड़े हाथी खिलौने ले लिए थे और उन्हें तो खिलौने लेकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वो खेलने लगे कि मेला घोला कैचा चुंदल है. दूसरा बोलता है देखो मेला भी बहुत अच्छा है, बहुत चुंदल है. तो इस तरह की उन दोनों में बातें चीतें होती हैं और खिलौनों से खेलने में बहुत मस्त हो जाते हैं. जो उनकी माँ है वो उन्हें देखती है. रोहिणी ने दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू यह खिलौने कितने में लिए हैं. मुन्नू बोला दो पेछे में खिलौने वाला दे गया है. तो जो रोहिणी है उनकी माँ है वो उनको खेलते हुए देखती रहती है, एक टकटकी से निहारती है कि वो कितने मस्त हो रहे हैं और पूछती है कि तुमने ये खिलौने कितने में लिए. तो वो उत्तर देते हैं कि दो पेछे में लिए हैं और खिलौने वाला हमें दे गया है.
रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी यह सोच विचार करती है कि इतने अच्छे खिलौने और इतने सस्ते में दे गया है, तो उसके अंदर ये विचार आता है कि ये इतने सस्ते में कैसे दे के जा सकता है। तो वो यह सोचती रहती है, लेकिन रोहिणी को घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो इतना सोच कर ही अपने काम के लिए चली जाती है। 6 महीने बाद नगर भर में कुछ दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। जब 6 महीने हो गए तो कुछ और भी आवाज़ आई, कोई फेरी वाला ऐसा आया जो मुरली बजाता, और इतनी अच्छी मुरली बजाता है वो, उससे मुरली से एक गाने का सुर भी निकालता है, तो उसके बारे में नगर भर में चर्चा होने लगी। वह भी 2-2 पैसे में, भला इसमें उसको क्या मिलता होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला। जो कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो उस मुरली वाले के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा है, और इतना अच्छा गाता है वो, तो बड़ा उस्ताद है, यानी कि मुरली बजाने में बहुत गुरु है वो तो, और इतना अच्छा बजा के इतने सस्ते में कैसे देके चला जाता है, ये आपस में लोग बाग उसके लिए बातें करते हैं। एक ने उत्तर दिया, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, प्रतिदिन नगर की गली में मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो एक ने उत्तर दिया कि यही होगा, 30-32 उसकी उम्र होगी, गोरा है, दुबला पतला है, और बीकानेरी साफा बांधता है, मतलब उस मुरली वाले का हुलिया बताया जाता है कि वो इस तरह का है, जिसने देखा है उसने हुलिया उसका बता दिया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेनी है, क्या पता दोबारा इधर आए ना आए। तो रोहिणी इस आवाज़ को सुनती है तो वो अपने पति विजय बाबू जो अखबार पढ़ रहे होते हैं उनसे कहती है कि इस मुरली वाले को आवाज़ तो देना, क्योंकि पहले की महिलाएं जो थी वो एकदम से घर से बाहर किसी फेरी वाले को आवाज़ नहीं दे सकती थी, वो अपने घर में कोई मतलब बड़ी बूढ़ी होती हैं जो आदमी होते हैं उनसे उनको बुलवाती कि ये इधर आए या नहीं आए, लेकिन आप उसको बुला लो, अपने चुन्नू मुन्नू दोनों बच्चों के लिए मुरली लेनी है। विजय बाबू उस समय समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू बाहर आकर बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। तो जो विजय बाबू अखबार पढ़ रहे थे, अपने अखबार को ऐसे लपेटते हुए पढ़ते पढ़ते बाहर आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्यों, ये मुरली कैसे देते हो। दौड़ते हाँपते वहाँ पर बच्चों का झुंड आ गया, एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लें दे मुरली और हम भी लें दे मुरली। तो जब विजय बाबू बात कर रहे थे तभी बहुत सारे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, और जब उसकी आवाज़ सुनते हैं तो कोई दौड़ता हुआ आता है तो किसी का जूता रह जाता है, किसी के सर से टोपी गिर जाती है, और किसी का तो पजामा भी नीचे खिसक जाता है, लेकिन दौड़ते हुए उस मुरली वाले के पास आ जाते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, कहने लगा, सबको देंगे भैया, रुको ठहरो, एक एक करके देने दो। तो मुरली वाला उन बच्चों, बहुत सारे जब बच्चे आते हैं तो वो बहुत खुशी से गदगद हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे प्रसन्नता होती है कि बच्चे देखो कितना दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो वो कहता है कि भाई सबको मुरली देंगे, सबको देंगे, लेकिन आप रुको, ठहर जाओ, एक एक करके सबको देंगे। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में भी दे दूंगा। देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान कर रहा है। जब बच्चों की टोली आती है उनको कहता है कि आप रुको ठहरो। अब विजय बाबू से बात करते हैं कि आपको
कि किस भाव में दी है, तो उनको बताते हैं कि बाबूजी वैसे तो मैंने तीन तीन पैसे में दी है, तीन तीन के हिसाब से दी है, लेकिन आप लोगे तो मैं आपको दो दो लगा दूंगा। तो विजय बाबू बोलते हैं कि पता नहीं, सबको देता तो उसी हिसाब से होगा, लेकिन मुझ पर दो दो में कह के और मुझ पर एहसान कर रहा है। मुरली वाला बोला, यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हमें हानि उठाकर चीज़ को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यह समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। यहाँ पर अक्सर हमारी धारणा होती है, अगर कोई दुकान वाला हमें सस्ते में देता है तो हम सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये कोई नुकसान नहीं उठाने वाला। तो इसी तरह से वो जो विजय बाबू हैं उनसे कहता है कि ये तो ग्राहक की आदत होती है कि अगर हम हानि उठाकर भी दे दें लेकिन वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। बाबूजी दाम दो ही पैसा है। विजय बाबू दो मुरलियां लेकर घर के भीतर आ गए। मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरलियां बेचता रहा, तो विजय बाबू ने उससे ज़्यादा बात नहीं की और फटाफट कहा कि चलो ठीक है, तुम उसे दो मुरलियां दे दो। तो मुरली वाला बहुत देर तक वहीं पे बैठ जाता है, विजय बाबू तो चले जाते हैं और जो मुरली वाला है वो बच्चों से बात करता है। तो बच्चों, कई लोग बोलते हैं मुझे नारंगी रंग की चाहिए, कई बच्चे बोलते हैं कि मेरी माँ ने तो पैसे ही नहीं दिए, तो वो ये कहता है तुम्हें मांगने का ढंग नहीं है, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उनसे लिपट कर पैरों पे साड़ी को पकड़ो और पैरों पे लिपट जाओ और पैसे ले आओ। तो वो एक बच्चा तो ले भी आता है, तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें मांगने का ढंग नहीं था ना, मैंने बताया जैसे आपकी माँ ने मुझे आपको दे दिए हैं पैसे। तो इसी तरह एक बच्चा वहाँ पर उदास भी बैठा हुआ होता है, वो कहता है मेरी माँ के पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो वो उसको फ्री में यानी मुफ्त में मुरली दे देता है। रोहिणी मकान में बैठकर बच्चों और मुरली वाले की बातों को सुनती रही। रोहिणी ने अनुभव किया कि यह बच्चों के साथ कितनी प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यहाँ पर इन बच्चों की और फेरी वाले की, मुरली वाले की जो आपस में बातें होती हैं, तो ये सब रोहिणी अपने घर के अंदर बैठकर सुन रही होती है। तो उसे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना अच्छा जो फेरी वाला है, बच्चों के साथ इतने प्यार से बोलता है, इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, यह पहले कभी नहीं आया, उसके बारे में वह सोचती है। बेचारा मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। बहुत दिनों तक मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही, धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यहाँ पर वह सोचती है कि बेचारा फेरी वाला है, अपने पेट के लिए वो इधर उधर घूमता है, पैसे कमाता है, तो पेट सब कुछ करा देता है, इसीलिए ये इतने प्यार से अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचता है और घूमता रहता है। तो ये बातें उसके अंदर आती रहती है, रोहिणी सोचती रहती है, लेकिन एक दिन यह धीरे धीरे उसकी जो मतलब जो उसकी स्मृति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी को गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कुछ दिन बीत गए, करीबन 8 महीने हो गए, 8 मास हो गए, तो फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है गली में, वो है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो रोहिणी को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, मिठाई वाले का सुर उसे जाना पहचाना लग रहा था। रोहिणी ने दादी से कहा चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी ने उठकर मिठाई वाले को बुलाया। तो अब यह वो दादी से कहती है कि ये मिठाई वाला है, इसको बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मिठाई ले लेते हैं। मिठाई वाला वहाँ आकर बोला कितनी मिठाई दूँ, मिठाई कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ जायकेदार है। बड़ी देर तक मुँह में टिकती है। तो जब दादी ने उसको मिठाई वाले को बुलाया तो दादी से बोलता है कि आपको मिठाई कितनी दे दूँ,
तो वो पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी मिठाई है, तो वह बोलता है कि खट्टी भी है, मीठी भी है, जायकेदार भी है और बहुत देर तक मुंह में टिकने वाली भी है, वो मिठाइयाँ ऐसी ऐसी मिठाइयाँ मेरे पास हैं, एक पैसे की 16 देता हूँ। कौन सी दूँ? दादी बोली 16 तो कम है, 25 तो दे देते। तो यहाँ पर दादी मोल भाव कराती है कि आप कैसे देते हो, अगर आप ये 16 देते हो तो करीब करीब 25 दे दो। तो दादी और मिठाई वाले के बीच में ये बातचीत होती है। रोहिणी बोली दादी फिर भी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इनसे पूछो कि यह शहर में पहले कभी आए थे या पहली बार आए हैं। यहीं पर दोनों की बातें होती हैं, तो रोहिणी कहती है कि ठीक है फिर भी सस्ती दे रहे हैं तो आप 4 पैसे की दादी मिठाई खरीद लो। रोहिणी उस मिठाई वाले के बारे में कुछ जानना चाहती है, उसको बड़ा इच्छा होती है कि ये मिठाई वाला पहली बार आया है या पहले कभी और आया था। तो यहाँ पर वो कहता है, यहाँ मिठाई वाला हर्ष संशय के भाव से बोला कि पहले इससे खिलौने लेकर आया फिर मुरली लेकर। रोहिणी ने कहा कि इन व्यवसाय में तुम्हें क्या मिलता होगा? बोला बस खाने भर को मिल जाता है। तो यहाँ पर वो मिठाई वाला हर्ष से कभी खुशी से बोलता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, पहले मैं खिलौने लेकर आया था, फिर मुरली लेकर, अब मैं मिठाई लेकर आया हूँ और मैं इसी तरह से ये व्यवसाय करता हूँ। मुझे इन व्यवसाय में असीम सुख मिलता है। रोहिणी कहती है वह कैसे, यह भी बताओ। उसे जानने की इच्छा होती है कि आपको अगर ये व्यवसाय अच्छा लगता है तो क्यों लगता है। तो वह बताता है कि मैं व्यर्थ में इस बातों की क्यों चर्चा करूं। वो कहता है कि मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको दुख होगा, हम इस तरह की बातें क्यों करें, मेरी बातों से आपको दुख होगा। मिठाई वाले ने कहा मैं भी नगर का जाना माना आदमी था। तो वो रोहिणी से कहता है कि मैं आपको इस बारे में बताऊंगा तो आपको दुख होगा, तो मैं भी कभी जाना पहचाना और बहुत ही नामी आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, सुंदर बच्चे थे, पत्नी बच्चे बहुत सुंदर थे। तो वह कहता है कि मेरे पास गाड़ी घोड़े मकान जायदाद सब थी, नौकर चाकर थे, मेरी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे और ये सब मेरा बहुत ही सुखी संसार था। घर में उनसे कोलाहल रहता था पर विधाता की लीला देखो कि अब कोई नहीं है। वो कह रहा था कि मेरे घर में जो बच्चे थे उनकी कोलाहल यानी शोर शराबा रहता था, सब कुछ था, लेकिन विधाता यानी कि ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि अब कोई भी नहीं है। अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ, कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। वह कहता है कि मैं जो ये फेरी का काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने पत्नी ने जन्म लिया होगा तो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएंगे। उस दुख में रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। रोहिणी ने मिठाई वाले को देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से तर है। तो वो ये कह रहा था कि जो मेरे मतलब पत्नी और बच्चे जो मर गए हैं, अगर मैं उस दुख में रहता तो मैं अभी तक मर चुका होता, लेकिन अपने दुख को भूलने के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो उसी समय रोहिणी उसे देखती है कि उसकी आँखों में आंसू हैं, उसकी आँखें जो हैं आंसुओं से नम हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आते हैं, रोहिणी से लिपट कर बोले अम्मा मिठाई दे दो। मिठाई वाले ने कागज की पुड़िया में बहुत सारी मिठाई चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो उसी समय बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, मिठाई वाले को देखते हैं तो वो अपनी माँ से लिपट जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी मिठाई दे दो। रोहिणी ने भीतर से पैसे दे दिए।
मिठाई वाले ने कहा, अब इस बार यह पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उसने जब बच्चे दौड़कर आए तो मिठाई वाले ने मिठाइयाँ बहुत सारी उन बच्चों को मुफ्त में दे दी। तो उसी समय जो पर्दे के पीछे थोड़ी सी ओट में रोहिणी खड़ी थी, उसने पैसे दिए कि दादी माँ इसको पैसे दे दो। तो दादी ने कहा कि अरे भाई क्यों जा रहे हो, ये पैसे तो लेते जाओ। लेकिन उसने वो पैसे नहीं लिए क्योंकि मिठाई वाले को उन बच्चों में उस परिवार में अपना परिवार दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस परिवार ने उसके दुख को साझा किया था और उसने अपने दुख को वहाँ पर बताया था, तो इसलिए उसने मिठाई के पैसे नहीं लिए। तो बच्चों आज हमने ये पाठ पढ़ा और आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। तो आज हम यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।